Assalamualaikum viewers, this is Shahrukh, Awan from Daily Morning News. As you know that our organization or magazine or newspaper is highlighting those personalities who are highly professional and doing their job quite diligently. They are working from dawn to dusk for the betterment of the police department, and not only that, but there are some kind of new state of art technology has been introduced in the police department in order to improve the policing and the criminology. So we have a special guest today. Guess what? Mr. DIG Nasir Aftab, training, all training strength of sindh. और हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे. आइए चलते हैं, बात करते हैं DIG Nasir Aftab साहब. सलाम सर. जी वाले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क के सर, कितने साल हो गए आपको एज अ पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए? Almost 19 years. अच्छा सर, मुझे बताइए कि सर काफी कम अरसे में इस वक्त यू आर द पार्ट ऑफ मतलब हायरार्की पुलिस डिपार्टमेंट और DIG की पोस्ट पे माशाल्लाह से सर आप बहुत जल्दी पहुंच गए सर, इसके बारे में थोड़ा सफर हमारे साथ डिस्कस कीजिए. देखिए जी, जल्दी नहीं पहुंचा, अपने टाइम पे पहुंचा हूं. बेसिकली हमारा एक सेटअप होता है, जिस सेटअप में उसके मुताबिक मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचा, ना जल्दी पहुंचा ना लेट पहुंचा. ऑलराइट जी. अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एज अ DIG ट्रेनिंग सेंटर्स में आजकल लोग देख रहे हैं, जो लोगों की नज़र है वो SSU की डिपार्टमेंट की तरफ है, RR डिपार्टमेंट की तरफ है, कमांडो ट्रेनिंग की तरफ है. तो सर ये जो क्राइटेरिया है, बेसिकली जो पैरामीटर्स है, ये क्या आम पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी या सिर्फ स्पेशल फोर्स के लिए? देखिए हमारे पास पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं. हमारा स्कूल ऑफ टैक्टिक्स है, जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे कराते हैं, लेकिन एक जनरलाइज ट्रेनिंग होती हैं वो तमाम कोर्सेज के लिए होती है हमारी. लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो तो उसके लिए स्कूल ऑफ टैक्टिक्स है हमारा जाकाबाद, वहाँ पर स्पेशलाइज होती है. सर थोड़ा सा आपके करियर के हवाले से बात करें सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट आप अभी तक सर्व कर चुके हैं? मैं जी सरकारी तौर पे तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने सर्व किया और किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया. सर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक जैसे कि स्पेशल ब्रांच होता है. हाँ, और आपका CTT में भी एक्सपोजर है जी. मैं बेसिकली जो हूँ, आई हैव स्टेड इन मैनी ऑलमोस्ट 7 मैंने डिस्ट्रिक्ट्स किए, इसमें कराची के भी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और इंटीरियर के भी शामिल हैं. उसके अलावा मैं थोड़ा अर्सा के लिए AIG फाइनेंस भी रहा हूँ और उसके बाद DIG RRF और DIG. ऑलराइट सर. सर मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो हमारे IG साहब के अहकाम के हवाले से बात करें, उन्होंने न्यू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है सर टू प्रोड्यूस बेटर क्रिमिनोलॉजी और IT लैब्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. कि हमारे आई साहब में जो बड़े डायनामिक पर्सनालिटी है, उनके एक विजन है और विजन जो है वो जाहिरी बात है, कोई भी विजन को अटेन करने के लिए ट्रेनिंग विजन बड़ा जरूरी है. तो हम ट्रेनिंग को जो है मॉडर्न लाइन पे उन्हीं की अंडर सरपरस्ती में दोबारा स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं. हमारा जितना कोर्सेज है उन कोर्सेज को रीडिजाइन कर रहे हैं, नीड बेसिस के ऊपर हमारे उस पर नेगोशिएशन चल रही है. फिर स्कूल ऑफ IT है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जूनियर कमांड कोर्स है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो पहले सिंध पुलिस में नहीं थे, ये IG साहब के ब्रेन चाइल्ड हैं और उन्हें ही बदौलत ये एग्जीक्यूट किया. और इस पर माशाल्लाह बहुत सारे ना सिर्फ हमारे अफसरान ट्रेनिंग पा रहे हैं बल्कि बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ पर ट्रेनिंग. Alright, that's good. थोड़ा सा बताइएगा शोधा के अलावा किंग के सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके लिए क्या प्रोटोकॉल आप ऑफर करते हैं? जी शोधा के लिए तो सब कुछ हाजिर है, वुड बी वेरी स्ट्रेट अबाउट दैट. और दूसरा ये है कि हम अपने जो हमारे पर्टिकुलर शोधा हैं उनको हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ इन टच रहते हैं. हमारा कोई बड़ा ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, उनको उनकी फैमिलीज को हम बीच में इन्वॉल्व करते हैं. कोई उनका इशू रिलेट हो, कोई प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा हो, उसको भी हम सॉल्व करते हैं. वी ट्राई टू कि हमने 101% उनकी जितनी पेमेंट्स जो है वो भी हम टाइमली जो है उन तक पहुंचाते हैं. तो बाकी जो उनकी चाहे वो प्रॉब्लम्स ऑफिशियल तौर पे हो या उनकी कोई ऐसा इशू हो कि जो हमारा ऑफिशियल ना हो, उनका कोई ज़ाती इशू हो, उसमें भी वी ट्राई टू. और उन लवाइकिन के लिए कोई खास किस्म का सन कोटा भी है पुलिस डिपार्टमेंट में? जी वो वक्ता डिपेंड करता है कि वो जो शहीद है वो कब शहीद हुआ और उस वक्त लॉ क्या था. और प्रेजेंटली जो है हम इस वक्त 2 सीटें देते हैं. जी सर पुलिस जवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुलिस जवानों के लिए यही मैसेज है कि जी उनका जो मेन काम है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है
और अवामी के लिए सब कुछ करें, तो उनकी सर्विस डिलीवरी ट्रेनिंग हम जो कुछ भी करें पर आवाम के लिए करें, लिहाजा उनको इज्जत दें, उनसे इज्जत दे के बात करें, उनके मसाइल जो हल होने वाले हैं उनको फौरी हल करें, जो समझते हैं कि वो हल होने वाले नहीं हैं या ऐसे मसाइल नहीं हैं जो उनसे रिलेटेड हों, उनको पोलाइटली और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कहाँ से उनका मसला हल हो सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डीआईजी नासिर आफ्ताब और मैं आपका हूँ शाहरुख अवान। आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगले सेशन तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।